अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ड्रीम हाउस एकेडमी में आपको वेलकम कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वेरिएबल के बारे में बताया था, दैट्स वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव, जो स्टैटिस्टिक में यूज़ होती हैं। इसके अलावा भी और भी हैं लेकिन स्टैटिस्टिक में ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं, तो हमें इसके बारे में पहले पता होना चाहिए। क्वांटिटेटिव वेरिएबल वोज होते हैं जिनको आप मेयर कर सकते हैं, जिनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं या जिन्हें हम मेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटिन्यूस। इसकी जो फर्दर टाइप्स है वो है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। कंटिन्यूस वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच हैव अ कंटिन्यूस वैल्यूज इन अ इंटरवल। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3 एट्सेट्रा। ये देखें आप, ये कंटिन्यूसली आ रही हैं कि 1.1 है, उसके बाद 1.2 है और 1.3 है। इसी तरह डिस्क्रीट में आ जाते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट्स हैव अ जंपिंग वैल्यू। इसको हम क्या कह सकते हैं, जंपिंग वैल्यू। ये डिसकंटिन्यूस नेचर्स की होती हैं, कंटिन्यूस नेचर्स की नहीं होती। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 5 एट्सेट्रा। ये डिसकंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यू नहीं होती तो 1.1 जो इसके दरमियान में वैल्यूज आती हैं वो भी इसमें आनी थी। अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरी वेरिएबल टाइप पे, क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स वी कैन ऑब्जर्व देम, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, लेकिन हम उनको न्यूमेरिकल फिगर्स में नहीं लिख सकते। जैसा कि अगर हम एक क्लास की एग्जांपल लेते हैं, हाउ मच पीपल हैव अ नॉलेज अबाउट स्टैटिस्टिक्स, कितना नॉलेज है। अब कितना नॉलेज है, नॉलेज को हम मेजर नहीं कर सकते न्यूमेरिकल में, भी इतना हो, मे भी इतना हो और मे भी इससे कम हो। अब इसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव आर कैटेगोरिकल वेरिएबल। टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, दैट इज द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, प्रेजेंटिंग करते हैं, एनालिसिंग करते हैं। कलेक्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग हम किस तरह करते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्राम बना के उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारे पास इसका डाटा आता है उसको हम एक SPSS या किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद हम उसको समराइज़ करेंगे, समराइज़ करने के बाद उसको प्रेजेंट करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि क्या हमारा ये ठीक है। इसके बारे में मैं पहले आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टैटिस्टिक की दूसरी टाइप, इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरलाइज मूव करते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक फिनोमेना लेते हैं, उसको ओवरऑल पॉपुलेशन पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ये हम करते कैसे हैं, पहले हम एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी के थ्रू। प्रोबेबिलिटी से जो हमारे पास डिसीजन आता है, जो हमारे पास उससे रिजल्ट आता है, उसको हम कंक्लूजन के तौर पर ओवरऑल पॉपुलेशन पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग अवर चैनल, गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द mean, median and mode in our next lecture. Thank you very much.